Good morning, class 8. I am Babita Juneja, and today I will teach you chapter 3, How Daddy Decided What He Wanted to Be from your English reader book. So let's start the chapter. When Daddy was a little boy, he was often asked, What do you want to be when you grow up? Daddy, jab chote bacche the, to unse aksar ye baat poochi jati thi ki aap bade hokar kya banoge. Daddy always had an answer ready. और डैडी के पास हमेशा उस बात का जवाब तैयार रहता था. बट ईच टाइम हिज आंसर वॉज डिफरेंट. पर हर बार उनका जवाब जो है वो अलग होता था. एट फर्स्ट ही वुड से ही वॉन्टेड टू बी नाइट वॉचमैन. शुरू शुरू में पहली बार तो वो कहते थे कि मैं वॉचमैन बनना चाहता हूँ, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ. ही लाइक टू थिंक दैट वाइल द होल टाउन स्लैप्ड द नाइट वॉचमैन कुड वॉक अबाउट एंड मेक नॉइसेस. उनको ये अच्छा लगता था कि जब सारी रात पूरा शहर सो जाता था तो चौकीदार जो है वो अकेला जागता रहता, चलता रहता और आवाज़ें कर सकता था. ही वॉज क्वाइट सर्टन ही वॉन्टेड टू बी नाइट वॉचमैन वेन ही ग्रू अप. और जब तक वो बड़े हुए वो बिल्कुल श्योर थे कि वो चौकीदार ही बनेंगे. बट देन ही थॉट ऑफ द आइसक्रीम मैन हु केम अलॉन्ग डेली विद हिज ब्राइट ग्रीन कार्ट. तभी उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि वो आइसक्रीम वाला भी बन सकते हैं, क्योंकि रोज़ एक आइसक्रीम वाला उनके एरिया में चमकदार हरी सी कार्ट ठेला लेकर आता था. इफ़ ही बिकेम एन आइसक्रीम मैन ही कुड हैव अ कार्ट एंड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड टू. अगर उनके वो आइसक्रीम वाला बन जाते हैं तो उनके पास भी एक कार्ट होगा, एक ठेला होगा और जब भी उनका मन करेगा वो जितनी मर्जी आइसक्रीम खा सकते हैं. सो लिटिल डैडी डिसाइडेड टू बी एन आइसक्रीम मैन. अब जब डैडी छोटे थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया, अब मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा. Little daddy's parents were surprised to hear that their son wanted to be an ice cream man. Daddy ke parents ye sunkar hairan the ki unka beta jo hai wo ice cream wala banna chahta hai. They thought he was only trying to be funny. Kabhi kabhi wo sochte ki shayad wo mazak kar raha hai. But little daddy seriously thought it would be a very tasty way of life when he grew up. Par daddy bahut hi soch samajh kar ye faisla karte ki ye bahut hi badhiya tarika hai, ek स्वादिष्ट तरीका है बड़े होने का. देन वन डे वाइल डैडी वॉज सॉ अ मैन वेयरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म एट एन ऑटो वर्कशॉप. तभी अचानक डैडी ने एक नीली यूनिफॉर्म पहने हुए व्यक्ति को एक ऑटो वर्कशॉप जहाँ पे गाड़ियाँ ठीक की जाती हैं उस वर्कशॉप में एक आदमी को नीली वर्दी पहने हुए देखा. द मैन वॉज प्लेइंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ कार. वो आदमी कई तरह की कारों के साथ काम कर रहा था. बट दोज वर रियल कार्स नॉट टॉयज. पर वो कार में कार सच की थी, खिलौने नहीं थे. द मैन वुड क्रॉल अंडर द कार्स प्लेइंग देयर अ स्ट्रेंज गेम. वो आदमी कार के नीचे रेंग कर चला जाता और वहाँ पर कुछ अजीब सी खेल खेलता. हुज दैट मैन लिटिल डैडी आस्क्ड. डैडी छोटे डैडी ने अपने पापा से पूछा कि वो क्या कर रहा है, कौन है वो. हिज इज़ अ कार मैकेनिक सेड वन ऑफ द वर्कर्स. उनमें से एक काम करने वाले ने कहा कि ये कार मैकेनिक है. Now little daddy said he would be a car mechanic. अब little daddy ये कहने लग गए कि मुझे car mechanic बनना है. He would play all the time with cars. हर समय वो कारों के साथ खेला करेंगे. There could be nothing in the world more interesting. और इससे बढ़िया तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता. Nothing truly, सच में नहीं. When daddy said he would be a car mechanic, someone asked him. अब जब daddy car mechanic बनना चाहते थे तो किसी ने उनसे पूछा, but what about the ice cream man? और उस आइसक्रीम मैन का क्या होगा. दैट वॉज अ प्रॉब्लम इन डीड. अब तो वाकई ही मुश्किल हो गई. डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम ए कार मैकेनिक बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट ऑल्सो. सून ही फाउंड अ वे आउट. अब डैडी कार मैकेनिक भी बनना चाहते थे, साथ में आइसक्रीम वाला वो ग्रीन ठेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे. तभी उन्होंने जल्दी ही एक रास्ता निकाल लिया. आई विल बी अ कार मैकेनिक एंड एन आइसक्रीम मैन. वो कहते हैं मैं कार मैकेनिक भी बनूंगा और मैं आइसक्रीम वाला भी बनूंगा. Everyone was very surprised. हर कोई बहुत हैरान था. But little daddy said that won't be hard at all. पर little daddy कहते हैं इसमें कौन सा मुश्किल है. I will sell ice cream for some time in the morning. सुबह कुछ समय के लिए मैं आइसक्रीम बेचा करूँगा. Then I'll go to the auto workshop. उसके बाद मैं ऑटो वर्कशॉप पर चला जाऊँगा. There I'll work with cars for some time. वहाँ पर मैं कुछ देर के लिए कारों के साथ काम करूँगा. And again go to sell more of ice cream. फिर कुछ और आइसक्रीम बेचने चला जाऊंगा. इन द आफ्टरनून आई विल अगेन गो बैक टू द वर्कशॉप. और दोपहर में मैं वापस वर्कशॉप पे चला जाऊंगा.
लेटर आई विल गो टू सेल मोर आइसक्रीम, फिर बाद में मैं फिर आइसक्रीम बेचने चला जाऊँगा। आई विल पार्क माई ग्रीन कार्ट आउटसाइड द वर्कशॉप वाइल आई एम वर्किंग इनसाइड, जब मैं वर्कशॉप में काम कर रहा हूँगा तो मैं अपना आइसक्रीम वाला हरा ठेला वर्कशॉप के बाहर खड़ी कर दूंगा। एवरीवन लाफ्ड टू हियर लिटिल डैडी, हर कोई लिटिल डैडी की बातें सुनकर हंसता। इट मेड हिम एंग्री एंड ही सेड, और लिटिल डैडी को गुस्सा आ जाता और वो कहता, इफ़ यू लाफ एट मी आई विल बी अ नाइट वॉचमैन ऑल्सो, अगर आप मेरे पे ऐसे हंसोगे ना तो मैं चौकीदार भी बन जाऊँगा। आफ्टर ऑल देयर इज नथिंग टू डू एट नाइट, क्योंकि मेरे पास रात को तो कुछ भी करने के लिए नहीं है। एवरीवन हैड टू अग्री विद लिटिल डैडी, बट अ फ्यू डेज लेटर ही चेंज हिज माइंड, हर एक को लिटिल डैडी के साथ सहमत होना पड़ता, पर कुछ दिन के बाद उसका दिमाग जो है वो बदल गया। ही सेड ही वॉन्टेड टू बी अ पायलट, अब वो कहने लगा कि मुझे पायलट बनना है। देन ही सेड ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, कुछ दिन के बाद वो कहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है। एंड आफ्टर ग्रैंडपा टुक हिम टू एन ऑफिस ही डिसाइडेड टू बी अ क्लर्क, और एक दिन जब ग्रैंडपा उनको अपने दफ्तर में ले गए तो उन्होंने फैसला किया कि मुझे तो वहाँ पर क्लर्क बनना है। टू बी ए सेलर वॉज ऑल्सो ऑन हिज माइंड, नाविक बनना भी उनके दिमाग में था, और एटलीस्ट अ शेफर्ड, कभी कभी वो गडरिया भी बनना चाहते। फाइनली ही डिसाइडेड ही वॉन्टेड टू बी डॉग, अंत में उन्होंने ये फैसला किया कि मैं तो डॉग में कुत्ता बनूंगा। ऑल दैट डे ही रैन अराउंड ऑन ऑल फोर्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, कैसे वो सारा दिन गलियों में भागता रहता है अपने चार पैरों पर और अजनबी पर भौंकता है। इवन ट्राई टू बाइट ऑन एल्डरली लेडी व्हेन शी वॉन्टेड टू पैट हिज हेड, कैसे एक औरत जब उसके सिर को सहलाना चाहती है तो वो उसको काटने की कोशिश करता है। लिटिल डैडी लर्न क्वाइट वेल हाउ टू बार्क, बट ही कुडंट स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट द वे ऑल डॉग्स डू। लिटिल डैडी ने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था, पर अपने कान को पैर के साथ खुजलाना, पिछले पैर के साथ खुजलाना वो नहीं सीख पाए थे। ही थॉट इफ ही वेंट आउटसाइड एंड सैट बिसाइड अ स्ट्रीट डॉग ही वुड लर्न इट मोर क्विकली, उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाकर एक गली के कुत्ते के साथ बैठकर उसको ध्यान से देखूं, तो मैं जल्दी ही सीख जाऊंगा कि वो कैसे करता है। एंड दैट वॉज एग्जैक्टली वट ही डिड, और उन्होंने सच में ऐसा ही किया। जस्ट देन अ सेज केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तभी पास से एक साधु गुजरा। ही स्टॉप्ड एंड वॉच डैडी फॉर अ व्हाइल, वो रुके और कुछ देर के लिए डैडी को देखते रहे। देन ही आस्क्ड, फिर उन्होंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, साधु ने लिटिल डैडी से पूछा, क्या कर रहे हो। आई एम ट्राइंग टू बी अ डॉग लिटिल डैडी सेड, लिटिल डैडी ने कहा कि मैं डॉग बनना चाहता हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू बी अ मैन आस्क्ड सेज, साधु ने पूछा, क्या तुम इंसान नहीं बनना चाहते। आई हैव बीन अ मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम सेड डैडी, डैडी ने कहा मैं बहुत समय से इंसान ही हूँ। What sort of man are you if you can't be a dog even? Is that what a man is like? किस तरह के आदमी हो तुम जो एक कुत्ता नहीं बन सकते? Is that what a man is like? क्या इंसान ऐसा होता है? Well, what is a man like? Daddy asked. Daddy ने साधु से पूछा, तो फिर इंसान कैसा होता है? Think about that yourself, said the sage and walked away. साधु ने उनसे कहा कि अपने बारे में कुछ सोचो और वहाँ से चले गए। But little daddy felt much ashamed of himself and began to think. पर लिटिल डैडी को अपने आप पर कुछ शर्म आई और उन्होंने वापस सोचना शुरू किया। ही थॉट एंड थॉट, सोचते गए, द मोर ही थॉट द मोर अशेम्ड ही वॉज ऑफ हिमसेल्फ, वो जितना ज़्यादा इस बारे में सोचते उन्हें अपने आप पर और शर्मिंदगी होती गई। द सेज हैड नॉट एक्सप्लेन टू हिम व्हाट ए मैन इज लाइक, साधु ने उनको ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि आदमी कैसा होना चाहिए। बट सडनली डैडी न्यू व्हाट ए मैन इज लाइक, पर अचानक डैडी को पता लग गया कि आदमी कैसा होना चाहिए। एंड ही रियलाइज्ड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो महसूस की। इट वॉज दैट ही वॉज येट टू स्मॉल टू नो वट ही वॉन्टेड टू बी, उन्होंने महसूस किया वो भी बहुत छोटे हैं ये जानने के लिए कि उनको क्या बनना है। द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क वट ही वॉन्टेड टू बी, ही थॉट ऑफ द सेज एंड सेड आई वॉन्ट टू बी अ मैन, अगली बार जब उनसे ये पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने साधु की बातों को ध्यान रखते हुए कहा मुझे एक इंसान बनना है। नो वन लव्ड व्हेन लिटिल डैडी सेड दिस, जब लिटिल डैडी ने ये बात कही तो कोई भी नहीं हंसा। एंड दैट वॉज द बेस्ट आंसर ही कुड थिंक ऑफ, और उन्हें लगा कि ये सबसे बढ़िया जवाब है। ही स्टिल थिंक्स सो एंड ऑलवेज सेज टू मी, और अभी भी वो ऐसा ही सोचते हैं और हमेशा मुझे कहते हैं, द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यू मस्ट बी ए गुड मैन, तुम्हें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू बी, ये बहुत ही ज़रूरी बात है चाहे तुम कुछ भी बनो, पायलट, अ शेफर्ड, अ सेलर, एन आइसक्रीम मैन और वट एवर।
एंड अ मैन डज नॉट रियली हैव टू नो हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट. और इंसान को कभी भी ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कि अपनी टांगों से पैर को कैसे खुजलाया जाए. थैंक यू सो मच. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.